इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय पांच इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय पांच रूबेन और गाद की वंशावलियां और मनुष्य के आधे गोत्र की वंशावली। इसराइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इसराइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी, क्योंकि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। इसराइल के जेठे पुत्र रूबेन के ये पुत्र हुए, अर्थात हनोक, पल्लू, हेस्त्रोन और कर्मी, और योएल के पुत्र शमायाह, शमायाह का गोग और गोग का शिमी, शिमी का मीका, मीका का रायाह, रायाह का बाल और बाल का पुत्र बेरा, इसको अश्शूर का राजा तिलगत पिल नेसेर बंधुआई में ले गया और वह रूबेनियों का प्रधान था। और उसके भाइयों की वंशावली के लिखने के समय वे अपने अपने कुल के अनुसार ये ठहरे, अर्थात मुख्य तो येल, फिर जकरियाह और अजाज का पुत्र बेला जो शेमा का पोता और योएल का परपोता था, वह अरोएर में और नबो और बालमोन तक रहता था और पूर्व और उस जंगल के सिवाने तक रहा जो परात महानद तक पहुंचता है, क्योंकि उनके पशु गिलाद देश में बढ़ गए थे और शाऊल के दिनों में उन्होंने हग्रियों से युद्ध किया और हग्री उनके हाथ से मारे गए। तब वे गिलाद की सारी पूर्वी अलंग में अपने डेरे में रहने लगे। गादी उनके सामने सलका तक बाशान देश में रहते थे, अर्थात मुख्य तो योएल और दूसरा शापाम, फिर यानय और शापात, ये बाशान में रहते थे। और उनके भाई अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार मिकायल, मशुल्लाम, शेबा, योरे, याकान, जी और एबेर सात थे। ये अबीहेल के पुत्र थे जो हुरी का पुत्र था, यह योराह का पुत्र, यह गिलाद का पुत्र, यह मिकायल का पुत्र, यह ईशय का पुत्र, यह यहदो का पुत्र, यह बूज का पुत्र था। इनके पितरों के घरानों का मुख्य पुरुष अब्दीएल का पुत्र और गुनी का पोता अही था। ये लोग बाशान में, गिलाद और उसके गांवों में और शारोन की सब चराइयों में उसकी परली ओर तक रहते थे। इन सबों की वंशावली यहूदा के राजा योनातन के दिनों और इसराइल के राजा यारोबाम के दिनों में लिखी गई। रूबेनियों, गादियों और मनुष्य के आधे गोत्र के योद्धा जो ढाल बांधने, तलवार चढ़ाने और धनुष के तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करना सीखे हुए थे, वे 44,760 थे जो युद्ध में जाने के योग्य थे। इन्होंने हग्रियों और यतुर नापीश और नोदाब से युद्ध किया था, उनके विरुद्ध इनको सहायता मिली और अग्री उन सब समेत जो उनके साथ थे उनके हाथ में कर दिए गए, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दोहाई दी थी और उसने उनकी विनती इस कारण सुनी कि इन्होंने उस पर भरोसा रखा था और इन्होंने उनके पशु हर लिए, अर्थात ऊंट तो 50,000, भेड़ बकरी 2,50,000, गधे 2,000 और मनुष्य 1,00,000 बंधुए करके ले गए और बहुत से मरे पड़े थे, क्योंकि वह लड़ाई परमेश्वर की ओर से हुई और ये उनके स्थान में बंधुआई के समय तक बसे रहे। फिर मनुष्य के आधे गोत्र की संतान उस देश में बसे और वे बाशान से ले बालहरमोन और सनीर और हेरमोन पर्वत तक फैल गए। और उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात एपेर, ईशी, एलियल, अज्रियल, इर्मयाह, होदव्याह और यहदियल। ये बड़े वीर और नामी और अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे और उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया
और उस देश के लोग जिनको परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था उनके देवताओं के पीछे व्यभिचारी की नाई हो लिए। इसलिए इसराइल के परमेश्वर ने अश्शूर के राजा पूल और अश्शूर के राजा तिलगत पित लेनेसर का मन उभारा और उन्होंने उन्हें अर्थात रूबेनियो गादियो और मनुष्य के आधे गोत्र के लोगों को बंधुआ करके हलह हबोर और हारा और गोजान नदी के पास पहुंचा दिया और वे आज के दिन तक वहीं रहते हैं।